गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास थर्ड का मैथ जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है टू राइट अप टू सिक्स डिजिट नंबर्स। मतलब कि इसमें हम लोग सिक्स डिजिट नंबर्स तक सीखेंगे कि सिक्स डिजिट नंबर्स तक कैसे लिखा जाता है, न्यूमरल्स में कैसे नंबर नेम में लिखा जाता है, ये हम लोग सीखेंगे आज इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक है डिजिट्स। मतलब कि सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि डिजिट्स होता क्या है, डिजिट्स क्या होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये डिजिट्स होते हैं, ठीक है, पता होगा ये डिजिट्स हैं। और इन्हीं डिजिट्स से जो है हम कोई भी नंबर्स बनाते हैं। जैसे अगर 24 लिखना हो तो 2, 4 मिलके 24 बनता है, ठीक है। तो इन्हीं जो 10 डिजिट्स हैं इन्हीं से हम लोग जो है पूरा नंबर, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, चाहे अरब हो, पूरा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो डिजिट्स में मतलब आपको अगर पूछा जाए डिजिट्स, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 7, 8 एंड 9 ये आपके डिजिट्स हैं, ठीक है। फिर इसमें आता है कि होता है ग्रेटेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर, ये पहला टॉपिक था। और दूसरा टॉपिक हमारा है ग्रेटेस्ट नंबर और एक होता है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है। अगर हम लोग देखें कि जो है ये डिजिट्स हैं, अगर हम कहते हैं कि वन डिजिट्स में, मतलब कि वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ठीक है, तो वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा 9। इसका मतलब ये हुआ कि वन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर एक डिजिट का क्या है, 9 है। और वो एक डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9 है। कैसे, अगर 9 में हम एक भी नंबर और जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा, तो 10 हमारा दो डिजिट का हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 9 हमारा वन डिजिट का सबसे जो है ग्रेटेस्ट नंबर है और 1 स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर बात करते हैं टू डिजिट का तो टू डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे जो है स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा, क्योंकि इससे अगर एक भी माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 वन डिजिट का आ जाएगा, इसलिए जो है टू डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 ही है। अब आते हैं थ्री डिजिट का सबसे जो है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9, 9, 9। तीन डिजिट हम 1, 2, 3 थ्री डिजिट हैं इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये भी तीन डिजिट है, 1, 2, 3 थ्री डिजिट हैं इसमें भी। फिर फोर डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9, 9, 9, 9 फोर टाइम 9 हो जाएगा, और इसमें 1, 0, 0, 0 1 के बाद 3 टाइम 0 होगा, 1, 2, 3, 4 4 डिजिट का आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। फिर देखते हैं 5 डिजिट का 9, 9, 9, 9, 9 5 हो गए, 1, 0, 0, 0, 0 ये भी 5 हो गए। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया। अब आते हैं 6 डिजिट पे, 6 डिजिट, ठीक है। 6 डिजिट पे क्या हो जाएगा, 6 टाइम 9 हो जाएगा, 1, 0, 0, 0, 0 ये आपका जो है 1 लाख जो है ये आपका जो है स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 6 डिजिट में। तो 6 डिजिट तक हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 डिजिट तक के जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है ये आपके जो है टेबल में है, इसमें जो है समझ में आ गया होगा कि
अगर इसके बाद भी अगर 7 डिजिट का 8 डिजिट का भी पूछता है तो हम लोग जो है लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर ये आपके सामने है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कोई कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो 100 बताएंगे, 3 डिजिट का 100 हो जाएगा और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999, 999, ठीक है। तो ये आपका था ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा ये जो है हम अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, हम चेक कर लेते हैं इसको कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है कि नहीं है। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, अगर इसमें 1 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 100 हो जाएगा ना, तो 100 आपका 3 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 99 है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 10 है। अगर इससे एक भी छोटा करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा वो, ठीक है, 9 तो 1 डिजिट का है। तो इसलिए जो है 10 ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2 डिजिट का और 99 ग्रेटेस्ट नंबर है 2 डिजिट का, ठीक है। तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा था, ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हमारे नंबर्स नेम, नंबर नेम थर्ड जो हमारा टॉपिक है नंबर नेम। नंबर नेम आप लोगों को बताया गया है, नंबर नेम 1 to 100 तक नंबर नेम आप लोगों को याद होगा क्योंकि ये नंबर नेम आपको फर्स्ट से सिखाया जा रहा है, फर्स्ट सेकंड में भी सिखाया गया है, थर्ड में भी इसका यूज है। तो जैसे नंबर नेम है, अगर हम लोगों को लिखना है कि 356 356 का नंबर नेम लिखने के लिए बोला तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम 356, ठीक है। तो 356 ये इसका नंबर नेम है, ठीक है। ये आपका न्यूमरल्स है, ये आपका न्यूमरल्स है, ये आपका नंबर नेम है, ठीक है। अगर न्यूमरल्स के फॉर्म में कहेगा तो इस तरह से लिखेंगे, न्यूमरल्स मीन्स 356 और नंबर नेम मीन्स 356, इस तरह से 356। तो अगर न्यूमरल्स में लिखना हो जैसे कि अगर कह दिया 4585, ठीक है, तो इसी को लिखेंगे हम नंबर नेम में 4585, ठीक है। तो ये आपका जो है ये न्यूमरल्स हैं, ये आपके न्यूमरल्स हैं, ये आपके नंबर नेम, ठीक है। तो ये न्यूमरल्स हैं और ये नंबर नेम है। तो आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा, ये 3 डिजिट में था, मतलब कि जो है 300 में था, ये 1000 में है। अब एक हम लाख में भी लिख देते हैं क्योंकि लाख तक का आपका दिया रहेगा, इसमें जो है पूछा जाएगा। जैसे कि अगर लिखना हमको नंबर नेम जो है 456345, ठीक है। तो अगर इसका नंबर नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 4,56,345, ठीक है। तो ये आपका जो है नंबर नेम है। तो इसी में आप न्यूमरल्स भी समझ लीजिए कि न्यूमरल्स किस फॉर्म में होते हैं। जो न्यूमरल्स होते हैं ये न्यूमरल्स हैं, ठीक है। न्यूमरल्स क्या है, 456,345 ये न्यूमरल्स हैं, और नंबर नेम क्या है, नंबर नेम आपका
ये आपका ऊपर दिया हुआ है, नंबर नेम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूमरल्स इस फॉर्म में होते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल ये दिखाया गया, एक एग्जांपल ये दिखाया गया 356, एक एग्जांपल ये दिखाया गया 4585, ये सारे के सारे न्यूमरल्स हैं, ठीक है। और नंबर नेम क्या है, ये जो नंबर उसमें लिखे गए हैं, वर्ड्स में लिखे गए हैं, या कह भी सकता है कि राइट इन वर्ड्स, ठीक है, राइट इन वर्ड्स। तो राइट इन वर्ड्स वर्ड्स में ये सब है, या जो है नंबर नेम में ये सब है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर नेम जो है और न्यूमरल्स। इसमें एक टॉपिक है प्रेडेसेसर और सक्सेसर, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। प्रेडेसेसर देख लेते हैं, प्रेडेसेसर और सक्सेसर क्या होते हैं। प्रेडेसेसर और सक्सेसर, जैसे कि आपका कोई डिजिट है, जैसे कि 5 है, 5 का जो प्रेडेसेसर होगा इसमें जो है -1 करके हो जाएगा, 5 का तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का सक्सेसर क्या होगा, 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का प्रेडेसेसर मतलब कि 1 कम होगा 4 हो जाएगा, 5 का सक्सेसर 1 ज्यादा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अगर 24 का देख रहा हूँ, 24 का प्रेडेसेसर क्या होगा, 23 होगा, कैसे 23 होगा, क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा इसमें से, और सक्सेसर क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं कि अगर आपके सामने जो है 105 है, 105 का प्रेडेसेसर और सक्सेसर पूछ रहा है, तो 105 का जो है प्रेडेसेसर हो जाएगा 104 और सक्सेसर हो जाएगा 106। कैसे, इसमें एक माइनस हो जाएगा, 105 से एक माइनस होगा, और इसमें 105 में एक प्लस हो जाएगा, तो ये आपका सक्सेसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दिया है 124 का प्रेडेसेसर 123 हो जाएगा और सक्सेसर 125 हो जाएगा। तो प्रेडेसेसर और सक्सेसर पूछ रहा है, तो प्रेडेसेसर मींस कि एक कम, और सक्सेसर मींस कि ये जो है एक ज़्यादा, उस नंबर से एक ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका रहा प्रेडेसेसर और सक्सेसर। तो इस बेसिस पे आप लोगों को जो है सारे जो है क्वेश्चंस कर लेने हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं एक्सरसाइज 9 करके है, एक्सरसाइज 9, ठीक है, ये एक्सरसाइज 9 आप लोगों को करना है, बुक नियर अबाउट सबके पास होगा, एक्सरसाइज 9 पूरा करना है। एक्सरसाइज 9 में जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म भी वही होता है जो आपका जो एक्सपेंडेड फॉर्म को देख लेते हैं क्या है। एक होता है शॉर्ट फॉर्म, एक होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, और एक होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि अगर लिखा है 2456 तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसी को हम लिखते हैं 2000 है ये, प्लस 400 प्लस 50 और प्लस 6, तो ये आपका क्या है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, ये आपका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 3,45,480, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 80, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3,40,000 फिर 5,000 फिर 400 फिर 80, तो ये आपका क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर ले लिए 56,485, तो 56,000 पहले जो है क्या लिखेंगे हम, 50,000 प्लस 6,000 प्लस
400 प्लस 80 प्लस 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में है और ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में है और ये आपका शॉर्ट फॉर्म में है। तो ये सब चीजें हैं, ये शॉर्ट फॉर्म वाला है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया है तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं। ये सारा का सारा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब आपको जो है सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 के करने हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये आपको इसमें ब्लैंक में भरना है, जो खाली स्थान है इसको भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9 का, एक्सरसाइज 9 करना है आपको, एक्सरसाइज 9 ये आपको करना है, करके रखना है, होमवर्क में पूरा करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9 में क्या क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हमने बता दिया कि इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। न्यूमरल्स में दिया जो है वो वर्ड्स में दिया हुआ है, नंबर नेम में दिया हुआ है, मतलब वर्ड्स में दिया हुआ है उसको न्यूमरल्स में लिखना है। वर्ड्स में दिया रहता है तो न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं बता चुके हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग। नंबर नेम इसमें लिखना है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है नंबर नेम लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, जैसे कि है आपका 456, तो 456 आपको वर्ड्स में इसमें लिखना है। ये जो जगह है या स्पेस बचा है 456 इसमें लिखना है आपको, जो है ये इसमें भी भरना है और कॉपी में भी करना है, आपके जो है जो कॉपी आप बनाए हैं उसमें भी करना है, सारे के सारे एक्सरसाइज कॉपी में भी करने हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स नेम। जो नंबर नेम दिया हुआ है इसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको न्यूमरल्स में लिखना है, एक वर्ड में लिखना है आपको, सॉरी जो न्यूमरल्स में मतलब कि जो है जैसे 4,000 अगर है तो 4,450 अगर है तो इस तरह से उसको लिखना है, 4450 ऐसे लिखना है उसको, ठीक है, न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है। आपका ये फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख लीजिए राइट द सक्सेसर है फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। पहले में सक्सेसर सारे लिखने हैं, सक्सेसर मीन्स कि प्लस 1 कर दीजिएगा आप लोग। फिर दूसरे को सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है राइट द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर अगर करना है तो 1 माइनस कर देंगे, प्रोड्यूसर हो जाएगा। लास्ट में सेवन्थ क्वेश्चन है प्रोड्यूसर दिया हुआ है, न्यूमरल्स दिए हुए हैं, सक्सेसर दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको पूरा ये जो है पूरा करना है, ये सेवन्थ क्वेश्चन आपको पूरा करना है, क्योंकि प्रोड्यूसर दिया हुआ है, न्यूमरल्स बीच में दिया हुआ है, सक्सेसर, तो जिसमें जो है प्रोड्यूसर दिया हुआ है उसका न्यूमरल्स निकाल लेंगे हम, और न्यूमरल्स निकल जाएगा तो उसका सक्सेसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सेवन्थ क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो आपका ये रहा सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड चैप्टर थर्ड क्लास का, ये कंप्लीट हो गया, आप लोग जो ये करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।